इरफान भाई, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने आवाज़ दिया, आप लोगों ने लब्बैक कहा। हमने मुमरा के मुद्दों पर हमने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि हमने आप लोगों की न्यूज देखा कि कल जो है यहाँ के कुछ पॉलिटिशन लोग जो है और सोशल जमात जो है हमारी जमात उलमा जमात इस्लामी जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा था। अच्छी बात है उन्होंने प्रोटेस्ट रखा, खुशी की बात है और लोगों को होना भी चाहिए और लोगों को करना भी चाहिए। वैसे भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन हम रहते कहाँ हैं, मुमरा में। तो मुमरा के विकास पर भी, मुद्दों पर भी जमात इस्लामी को आगे आना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। जब हम ये देख रहे हैं कि मुमरा के उर्दू स्कूल की जर्जर हालत है, मुमरा में लाइब्रेरी नहीं है, मुमरा में टोरेंट जो है मुसलमानों को या हिंदू मुस्लिम जो भी लोग रहते हैं वो परेशान हाल है, तो हमारे जमात इस्लामी को भी आगे आना चाहिए। जमात इस्लामी जो है एक प्रोटेस्ट, अगर ऐसे ही जो भी जमात उलमा है, जमात इस्लामी है, अगर हमारे उलमा लोग और ये जमातें हमारे इस्लामी और भी जितनी भी जमातें हैं अगर ये आगे आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुमरा का एक सुधार होगा और मुमरा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो बंद होगा। मैं उनके प्रोटेस्ट के खिलाफ़ नहीं हूँ कि जमात इस्लामी ने क्यों प्रोटेस्ट किया, लेकिन मैं इसके खिलाफ़ हूँ कि चाहे कोई भी जमात हो मुमरा के मुद्दों पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं करती। इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। कौन से मुद्दे का मतलब? जिस तरीके से अभी हाल ही में चल रहा है कि जो एजुकेशन को लेकर के हमारे करीबन 1000-1200 जो बच्चे मुमरा के जो गरीब बच्चे हैं वो उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है, जहाँ पर जा रहे हैं पानी भरा हुआ है, ऊपर की छतें टूटी हुई हैं। ये बहुत सोशल मीडिया में मुमरा का वायरल हो रहा है, चल रहा है, आप लोगों के चैनलों में चल रहा है। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो सो रहे हैं तो कब जागेंगे, उनको जगाने का भी काम जमात इस्लामी कर सकती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उनके बारे में क्यों नहीं करती है, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ़ क्यों नहीं करती है जमात इस्लामी, उनको करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जमात इस्लामी और यहाँ की मर्जिया पठान जो है, सानू पठान की जो बेटी है वो प्रोटेस्ट में दिखी है, जफर रुमानी साहब दिखे हुए हैं, यहाँ पर के और भी नगर सेवक हमें प्रोटेस्ट में दिखे हैं और कुछ एनसीपी के कार्यकर्ता जमात इस्लामी की प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जब ये जमात इस्लामी के पर्दे में आ करके एक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये इसी तरीके से MLA के खिलाफ आकर के क्यों नहीं करते? अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं जमात इस्लामी में पॉलिटिकल लोग भी थे जी, लेकिन ये पॉलिटिकल तो प्रोटेस्ट नहीं था ना? पॉलिटिकल जो है प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन ये पॉलिटिक्स जो चेहरे आ करके जब वो बयानबाजी करते हैं ये गलत कर रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ क्यों नहीं करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं चल रहा है प्रोटेस्ट? नहीं, मणिपुर को लेकर अभी जो RBF का चेतन सिंह जो जवान जिसने गोली मारी थी, मुसलमान और एक दलित समाज का है, आपको भी पता है, तो उसके खिलाफ तो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैं प्रोटेस्ट को गलत नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं प्रोटेस्ट को अरे भाई गलत नहीं कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट अच्छा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, अपना हक है वो करे, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि हम मुमरा में रहते हैं, हमारे उर्दू स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1000-1200 उनका भविष्य खराब हो रहा है, उसका भविष्य बनाने के लिए तो जमात इस्लामी आ सकती है आगे। ठीक इरफान भाई, आप जिस तरह से बात कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है कि जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग भी है, कहीं ना कहीं उनको भी सामने आना चाहिए, एजुकेशन का मुद्दा जो TMC का स्कूल है उसको लेकर सामने आए। इसी तरह से मुमरा शहर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, इसी तरह से और भी कई NGO हैं जो शहर के मुद्दे को लेकर बिल्कुल खामोश नज़र आती हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए वो सामने ज़रूर आती हैं। इस्लाम भाई, हम उसी मुद्दे को जागरण करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि ये लोगों को कब शर्म आएगी, इनको शर्म आना चाहिए कि हमारे मुमरा में विकास के मुद्दों पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता है। मेरा भी यही कहना है ना कि उनके खिलाफ़ जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ, टोरेंट के खिलाफ भी जमात उलमा को आना चाहिए, जमात इस्लामी को आना चाहिए, मेरा भी यही कहना है। जैसा आप मुमरा की बात करें, मुमरा के विकास को लेकर, आपकी पार्टी मुमरा में की विकास की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी लेकिन मुमरा में विकास तो नहीं ला रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जरूर करा रहे थे। अभी बीच में ही आपके अविनाश यादव दरगाह के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाए थे,
याद है, आपको भी पता होगा, आपने भी कहा था। लेकिन आप लोगों का भी तो हक है ना, आप भी तो मुमरा के कार्यकर्ता हो, तो आपको भी तो विकास के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए आरिफ भाई, मैं एक मनसे का कार्यकर्ता हूँ और मैं आप मुमरा के जो मुद्दे हैं, चाहे गटर का मुद्दा हो, चाहे कचरे का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, वो इरफान सैयद ने उठाया है। आप देखिए कि सर्विस सेंटर का मुद्दा इरफान सैयद ने उठाया है, कचरे का मुद्दा इरफान सैयद ने उठाया है, नाले गटर का सैयद इरफान ने उठाया है। तो मनसे का ही तो कार्य करता हूँ, मुझे ऊपर से ही तो कुछ मिल रहा है, जब भी तो मैं कर रहा हूँ ना। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि कचरे के खिलाफ नहीं उतर रहा हूँ, गटर के खिलाफ नहीं उतर रहा हूँ, गटर के खिलाफ नहीं उतर रहा हूँ, मैं उतर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ना, मन से कर रही है। उसका मुद्दा जो था वो जमाते इस्लाम को लेकर था, तो सवाल ये है कि जो वो लोग कर रहे हैं आप उसको गलत ठहरा रहे हो, या जो वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग उसको गलत? नहीं, हम जो वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको हम इसलिए गलत ठहरा रहे हैं, मुमरा के मुद्दे पर वो ये करें। लेकिन इसके साथ में ये भी करें कि मुमरा में जहाँ पर गलत होता है वो जमाते इस्लामी, जमाते उलमा और भी हमारी सोशलिस्ट जमाते हैं, उनको आगे आना चाहिए, जब जाके ये भ्रष्टाचार रुकेगा। अभी आप जैसा बता रहे हो, उर्दू स्कूल को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने कोई आपके पार्टी के हाई लेवल के जो अधिकारी है उनसे बातचीत की है क्या? जी, आप लोगों के चैनल में उर्दू स्कूल का बहुत मुद्दा चल रहा है। हमारे आरिफ शेख जो है महाराज के नवनिर्माण सेना के जो जनरल सेक्रेटरी हैं महाराज के, उनका फ़ोन आया था मुझे, उनके फ़ोन पे आने उन्होंने हमें भेजा, हमें उर्दू स्कूल का सर्वे किए और उर्दू स्कूल की वाकई खस्ता हालत है, वहाँ पर बहुत बुरी हालत है, हमारे 1200-1300 बच्चों का भविष्य खतरे में है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनकी पढ़ाई एकदम फेल है, और मतलब यहाँ के नगर सेवक भी फेल है और MLA भी फेल है, क्योंकि इनको भी करना चाहिए जिस तरीके से। अभी मनसे का क्या स्टैंड रहेगा उसको लेकर, क्या करने वाली है मनसे? नहीं तो बता रहे फेल है, ठीक है, अगला कदम कैसा रहेगा, क्या आप लोग बोलो क्या करेंगे, आपकी पार्टी से क्या आशा? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी, चाहे जमात इस्लामी हो या जमात उलमा हो, हम उनको यही ताकीद करते हैं और उनसे यही हम कहते हैं कि मुमरा के मुद्दों पर भी प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें, धरना करें। क्या बोला वो बात तो सही है, सर ने बोला कि आपकी पार्टी क्या करेगी, वो तो बात आज सही है कि आप मुद्दा उठा रहे हैं कि जमात इस्लामी इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप भी देख रहे हैं, आप भी सोच रहे, तो आप उन लोगों के लिए रुकेंगे कि आप भी कुछ एक्शन? नहीं, हम मुमरा के जो भी मुद्दे हैं हम उसमें इंशाल्लाह आपको हर जगह दिखेंगे, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, चाहे नाले गटर का मुद्दा हो, या कोई भी सोशल मुद्दा हो, हम इंशाल्लाह आपको दिखेंगे। ठीक।